दोस्तों, आज हम आप लोग को टाइम एंड डिस्टेंस का थ्योरी पढ़ाएंगे। बेसिक क्लास जो बहुत ही ज्यादा जरूरी है, जिन लोग का टाइम एंड डिस्टेंस कमजोर है वो इस थ्योरी क्लास को जरूर करें। बेसिक क्लास पहले बेसिक क्लास का वीडियो देखें और उसके बाद प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, और फिर मैं आपको सॉल्व करके फिर आगे वीडियो डालूंगा टाइप बाय टाइप करके। तो आज हम टाइम एंड डिस्टेंस से संबंधित उसका थ्योरी पहले, जो बेसिक क्लास, किसी का अगर मैथ कमजोर हो, टाइम एंड डिस्टेंस में बहुत प्रॉब्लम होती है, उनके लिए है ये क्लास ज्यादातर। तो आइए इसको देखिए। और हाँ दोस्तों, अगर आप मेरे नए व्यूअर हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल में जो बेल है उसको दबाइए, इससे हमारे वीडियो आपको मिलते रहेंगे। तो इसमें कोई नुकसान भी नहीं है आपका दोस्तों, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। तो आइए हम टाइम एंड डिस्टेंस को शुरू करते हैं। आइए दोस्तों, टाइम एंड डिस्टेंस में हमें क्या करना है, तीन बात ही जानना है। दूरी, चाल, समय। दूरी, चाल, समय। आप जानते होंगे बेसिक फॉर्मूला है, दूरी बराबर चाल गुना समय, चाल गुना समय, और समय बराबर दूरी बटा चाल, समय बराबर दूरी बटा चाल, और चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। ये तीन बातें याद होनी चाहिए आपको। दूरी बराबर चाल गुने समय, समय बराबर दूरी बटा चाल, चाल बराबर दूरी बटा समय। दोस्तों, चाल दो तरह से दिया जाएगा आपको, अक्सर दो तरह से ही चाल दिए जाते हैं। एक चाल होता है किलोमीटर प्रति घंटा। अगर मान लीजिए कि 20 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से कोई व्यक्ति चल रहा है, इसका सेंस ये है, प्रति घंटा माने एक घंटा, एक घंटा में वो 20 किलोमीटर चलता है। और वही अगर यहां चाल हो 20 मीटर प्रति सेकेंड, तो आप कहेंगे माने एक सेकेंड में, प्रति सेकेंड का मतलब एक सेकेंड, एक सेकेंड में वो 20 मीटर चलता है, इसका यही सेंस है। तो आइए, अगर हमें चाल किलोमीटर प्रति घंटा में दिया हुआ हो और हमें मीटर प्रति सेकेंड में निकालना हो, तो आइए दोस्तों, हम आपको इसमें कुछ बेसिक बात में हम आपको बताते हैं कि चाल को चेंज करना होता है। जैसे किलोमीटर प्रति घंटा में चाल होता है, मीटर प्रति सेकेंड में चाल निकालना रहता है। तो किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में जाना होता है। तो क्या करना है दोस्तों, आपको एक बात याद रखना है, 18/5 और 5/18 का इस्तेमाल होता है। ये दोनों में से ये बड़ा वैल्यू है, ये छोटा वैल्यू है। ऊपर में 18 है, नीचे में 5 है, ये हो गया बड़ा वैल्यू। ऊपर में छोटा है, नीचे में बड़ा है, तो ये छोटा वैल्यू। चूंकि 18 में 5 से भाग दीजिएगा तो 3 कुछ होगा, और 5 में 18 से भाग दीजिएगा तो 0 कुछ होगा, ये छोटा है ये बड़ा है। किलोमीटर प्रति घंटा और मीटर प्रति सेकंड में से इसको छोटा कहेंगे, इसको बड़ा कहेंगे, क्योंकि किलोमीटर मीटर से बड़ा होता है और घंटा भी सेकंड से बड़ा होता है। ये बड़ा यूनिट है, ये छोटा यूनिट है। तो नियम यह है कि अगर बड़ा यूनिट से छोटा यूनिट में जाना है तो छोटा वाला से गुना करिए, यानी किलोमीटर प्रति घंटा में चाल पता हो और मीटर प्रति सेकेंड में पता करना हो तो क्या करना है कि किलोमीटर प्रति घंटा वाला में गुना कर देंगे 5/18 से। अब याद रखने के लिए ऐसे याद रखिएगा कि जिसमें जाना हो उसी से गुना, यानी छोटका यूनिट में जाना है तो छोटके से गुना, अब बड़का यूनिट में जाना तो बड़के से गुना। यानी कि अगर मीटर प्रति सेकेंड से आपको किलोमीटर प्रति घंटा में चाल पता करना है तो क्या करना है, मीटर प्रति सेकेंड से किलोमीटर प्रति घंटा में जाना है तो हमें जाना है अब बड़ा यूनिट में, तो इन दोनों में से बड़ा कौन, ये, इससे गुना करेंगे 18/5 से। एग्जाम्पल के लिए समझिए, अगर 72 किलोमीटर प्रति घंटा दे दिया हो
और कहा जाए कि ये मीटर प्रति सेकंड में कितना होगा, तो आपको क्या करना है, 72 में गुना करना है, आपको मीटर प्रति सेकंड में लाना है, तो हम छोटा वाला से गुना करेंगे, छोटका में जाना तो छोटके से गुना और बड़का में जाना तो बड़के से गुना। छोटका में जाना है 5/18 से करेंगे, 18 चौका 72, 5 चौका 20 मीटर प्रति सेकंड हो गया। दोस्त उसी तरह अगर मान लीजिए कि आपको 30 मीटर प्रति सेकंड को चेंज करना है कि किलोमीटर प्रति घंटा में कितना होगा, तो आप कहेंगे 30 में गुना करेंगे कितना से, किलोमीटर प्रति घंटा में हम जानना चाहते हैं, तो हम करेंगे बड़ा वाला से गुना, क्योंकि बड़ा यूनिट में जाना है तो बड़ा से गुना। तो ये बड़का कौन है इसमें से, 18/5, 18/5 से, चलिए 5 से इसमें हमने गुना कर दिया, 5 6 के 30, तो 18 6 के 108 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये दोस्तों अब हम आपको ये डाटा समझाते हैं, अगर इस डाटा को आपने याद कर लिया, याद भी नहीं करना है सिर्फ समझ लिया, तो आप समझ लो कि टाइम एंड डिस्टेंस के 90% चाल को चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, आप जुबान से काम कर लोगे, सीधे देख के आप पता कर लोगे कि कितना चाल किसमें कितना हो जाएगा, यानी किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड या मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा, ये 90% सवाल में यूज होने हैं। आइए देखिए, तो जैसे इसमें क्या है कि 5 का टेबल लिखा हुआ है और इसमें 18 का टेबल लिखा हुआ है, 5 का पहाड़ा इधर, 18 का पहाड़ा इधर है। तो 5 का पहाड़ा देखिए, 5 का 5, 5 दूना 10, 5 3 15, 5 4 के 20 ऐसे ही, और इधर 18 का पहाड़ा, 18 18 36, 18 3 54, 18 6 के 72, इसी तरह आगे बढ़ते जाएंगे। तो दोस्तों 5 मीटर प्रति सेकंड होता है 18 किलोमीटर प्रति घंटा के बराबर, यानी कोई गाड़ी 5 मीटर प्रति सेकंड के चाल से चल रही है, इसका मतलब है कि किलोमीटर प्रति घंटा में वो 18 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चल रही है। 10 मीटर प्रति सेकंड हुआ 36 किलोमीटर प्रति घंटा के बराबर, और 15 मीटर प्रति सेकंड हुआ 54 किलोमीटर प्रति घंटा के बराबर। जरा ध्यान दीजिए इसी तरह सब में, तो ये आपको कैसे याद करना है, याद कैसे करना है, अगर मैं बोलूं आपसे कि बताइए 20 मीटर प्रति सेकंड बराबर कितना होगा, तो आप क्या करना, आप सोचना 20, 5 का कितना बार पढ़ने से 20 होता है, 4 बार, तो 18 को 4 बार पढ़ दो, 72 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर मैं आपसे कहूं कि 15 मीटर प्रति सेकंड बराबर 15 मीटर प्रति सेकंड किलोमीटर प्रति घंटा में कितना, तो आप सोचो कि 15, तो 5 का 3 बार पढ़ने से 15 होता है, तो हम 18 को 3 बार पढ़ देंगे, 18 3 54 किलोमीटर प्रति घंटा। उसी तरह अगर मैं बोल दूं कि 108 किलोमीटर प्रति घंटा मीटर प्रति सेकंड में कितना है, तो आप कहेंगे 108, 108 तो 5 के पहाड़ा में नहीं होगा, 18 के पहाड़ा में होगा, तो 18 6 के 108, तो 5 6 के 30, यानी 108 किलोमीटर प्रति घंटा 5 मीटर प्रति सेकंड के बराबर है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों आइए दोस्तों अब हम आपको, ये दो बहुत महत्वपूर्ण चीज है जो इसे मैं आपको बताना चाहता हूं, जिन लोगों का बेसिक कमजोर है टाइम एंड डिस्टेंस में, तो आप इसको समझिए, पोल पॉइंट मैन ट्री ETC की लंबाई जो है, मतलब क्या होता है कि ट्रेन की लंबाई के तुलना में न के बराबर होता है, यानी निग्लिजिबल होता है, अतः इसे हम निग्लिजिबल डिस्टेंस वाली वस्तु कहते हैं, जिसकी लंबाई ट्रेन की लंबाई के तुलना में न के बराबर हो। जैसे आप देखते हैं पोल, बिजली का खंभा जो होता है रेलवे लाइन के बगल में, तो वो खंभा का ये तो हाइट देखते हैं हम, हाइट ये ऊंचाई हुआ, लंबाई नहीं, उसको ऊंचाई बोलिए, हाइट देखते हैं, लंबाई कितना ज्यादा, इतना लंबाई इतना, और ट्रेन की लंबाई देखिए कितना ज्यादा होता है, तो ट्रेन की लंबाई के तुलना में न के बराबर है। उसी तरह किसी व्यक्ति को ले लीजिए, कोई व्यक्ति जो है ट्रेन की लंबाई के तुलना में उस व्यक्ति की लंबाई न के बराबर ही है, नगण्य है, अतः इसे कहेंगे हम निग्लिजिबल डिस्टेंस वाली वस्तु, जिसकी लंबाई ट्रेन की लंबाई के तुलना में नगण्य हो। जैसे मैंने यहां लिखा है पोल, पोल पॉइंट कोई छोटा सा जगह, मैन आदमी, ट्री यानी कोई पेड़, तो ये सब का लंबाई ट्रेन की लंबाई के तुलना में नगण्य है, अतः इसे हम निग्लिजिबल डिस्टेंस वाली वस्तु कहेंगे। अब आ जाइए, तो इसमें एक चीज और समझना है कि किसी भी व्यक्ति को पार करेगी ट्रेन या पोल को पार करेगी, तो यह हमेशा याद रखिएगा उसे सिर्फ अपनी लंबाई को ही पार करना होता है। जैसे अगर 500 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, बिजली के खंभा को 20 सेकंड में पार करती है, तो आपको समझना है कि वो 500 मीटर दूरी तय करती है 20 सेकंड में, यानी किसी व्यक्ति को या बिजली के खंभा को पार करती है ट्रेन, तो अपनी दूरी को तय करती है उस टाइम।
अभी मैं बताऊंगा। चलिए, ब्रिज, प्लेटफॉर्म, ये सब सेल्फ डिस्टेंस वाली वस्तु है, क्योंकि देखिए ब्रिज या प्लेटफॉर्म ऐसे भी हैं जो ट्रेन से बड़े भी हो सकते हैं, छोटे भी और बराबर भी। लेकिन कोई आदमी ऐसा है जिसकी लंबाई ट्रेन के बराबर है? क्या आप लोग के गांव में है? क्या हम लोग के इधर तो नहीं है? तो नहीं है ऐसा। और कोई ऐसा आपने पेड़ नहीं देखा, आपने कोई पोल नहीं देखा जिसकी लंबाई ट्रेन की लंबाई के बराबर हो सके? ऐसा नहीं है, बड़ा हो सके नहीं। लेकिन देखिए ब्रिज है, ब्रिज पुल आपने देखा होगा। प्लेटफॉर्म ऐसे भी होते हैं, ट्रेन से बड़े भी हो सकते हैं, छोटे भी हो सकते हैं, उसके बराबर के भी हो सकते हैं। तो इनको कहेंगे हम सेल्फ डिस्टेंस वाली वस्तु जिसकी लंबाई ट्रेन की लंबाई के तुलना में बड़ा, छोटा या बराबर हो। अब आइए दोस्तों, इन सब को पार करने के लिए ट्रेन को अपनी और उस सेल्फ डिस्टेंस वाली वस्तु के लंबाई के योग को पार करना होता है। अभी मैं क्लियर करूंगा कि यह कैसे होता है। तो फ्रेंड हम देखते हैं कि निग्लिजिबल डिस्टेंस वाली वस्तु जिसमें पोल, पॉइंट, मैन, मैंने बोला ट्री, और सेल्फ डिस्टेंस वाली वस्तु जिसमें ट्रेन भी है, ब्रिज भी है, प्लेटफॉर्म भी है, तो इन सबों को पार करने में मैंने बोला कि जब पोल को पार करेगा तो ट्रेन सिर्फ अपनी लंबाई को पार करेगी या आदमी को पार करेगी। तो आइए मैं आपको बताता हूं कि कैसे। मान लीजिए कि ये एक पोल है, इस पोल को पार करवाना है ट्रेन से। तो ट्रेन जब पार करेगी तो किसी ना किसी टाइम उसका इंजन जो होगा, ऐसे मैं बना देता हूं धुआं वाला ट्रेन, अब तो बुलेट ट्रेन आ रही है हमारे इंडिया में, लेकिन चलिए अभी धुएं वाला कोयला वाला से चलाते हैं इसको। तो ये ट्रेन जब चलेगी तो जब इंजन इस पोल के सामने आ जाएगी उस टाइम ये पार करना शुरू हो जाएगी। तो यहां देखिए मैंने निशान दे दिया कि इसी सामने, पोल के सामने मैंने खींचा, तो ट्रेन अब पार कर रही है। दोस्तों आप बताइए, क्या अगर ऐसी स्थिति हो ट्रेन का पार कर गई, क्या ट्रेन पार कर गई है क्या पुल को? नहीं पार की है। लेकिन आप बताइए इंजन यहां से शुरू की थी और यहां तक पहुंच गई फिर भी पार नहीं की है, तो जरा ध्यान दीजिए ये पार कब करती है? पार कब करती है? जब इसका पिछला डब्बा भी जैसे ही छोड़ेगा उस खंभे को पहुंच जाएगी, माने पार कर जाएगी। तो देखिए, अगर अगर स्थिति ऐसी हो कि जिस टाइम ये छोड़े उसी टाइम पार कर जाएगी, तो जरा ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिए कि अब यहां से इंजन चली थी और इंजन यहां तक चली तब जाके इस खंभा को पार की, मतलब यहां से यहां तक की जो लंबाई हुआ, दूरी हुआ, ये ट्रेन की दूरी के बराबर ही है। यानी किसी बिजली के खंभा को पार करते समय या पेड़ को पार करते समय या किसी व्यक्ति को पार करते समय ट्रेन को अपनी लंबाई तय करना होगा। जैसे अगर मान लीजिए कि ये 200 मीटर दूरी है, मान लीजिए कि ये ट्रेन की लंबाई 200 मीटर है, तो इसे 200 मीटर दूरी तय करना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों आगे हम आपको बताते हैं। क्या हुआ? अब हम आपको बताते हैं कि सेल्फ डिस्टेंस वाली वस्तु को जब ट्रेन पार करती है तो कैसे पार करती है। देखिए दोस्तों, अगर मान लीजिए ये एक प्लेटफॉर्म है, इस प्लेटफॉर्म की लंबाई मान लेते हैं कि 300 मीटर, और मान लीजिए कि कोई ट्रेन जा रही है, और ट्रेन जब जाएगी और इसकी लंबाई मान लेते हैं 400 मीटर, मान लीजिए, तो जब पार करना शुरू करेगी दोस्तों, पार करना जब ये शुरू करेगी तो एक समय इंजन इस प्लेटफॉर्म के इस सिरे के पास रहे, प्लेटफॉर्म के सामने से शुरू करेगी पार करना। और जरा ये बताइए, यहां मैंने निशान लगा दिया है, अब देखिए आप हमें बताइए, क्या ऐसे अगर रहे ट्रेन तो पार की है क्या, पार की है क्या पार नहीं की है अभी भी, क्योंकि ये पिछला डब्बा तो बचा हुआ ही है, पूरा प्लेटफॉर्म पार नहीं हुआ है। अब देखिए जैसे ही ये पिछला डब्बा छोड़ेगा, पिछला डब्बा छोड़ेगा
प्लेटफॉर्म को तो पार हो जाएगी। मैंने कहा था आपको, अगर इसकी लंबाई मैंने बोला था 400 मीटर है, इसका मतलब देखिए दोस्तों, ट्रेन यहां से चली और इंजन अब यहां तक पहुंच गए, तो यहां से लेकर यहां तक की जो दूरी है, यहां से लेकर यहां तक की जो लंबाई है वो कितनी है, तो जरा सोच के देखिए, इस सामने से इस सामने तक, यहां से यहां तक इसी के बराबर, यानी ये 400, और इधर देखिए यहां से यहां ये 300, तो ये भी 300, यानी आप कह सकते हैं कि यहां से यहां तक टोटल हुआ 700, 300, 400, 700, यानी जब प्लेटफॉर्म को पार कर रही थी 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, 400 मीटर लंबी रेलगाड़ी, तो उसे 700 मीटर दूरी तय करना पड़ता है, यानी कि ये दोनों के लंबाई का योग है 700 मीटर। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि जब कोई प्लेटफॉर्म को या कोई ब्रिज को ट्रेन पार करती है, उस टाइम अपनी लंबाई और उस प्लेटफॉर्म की लंबाई के योग को पार करना होता है। तो बने रहिए हमारे साथ। तो दोस्तों क्वेश्चन है कि 72 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चलती एक रेलगाड़ी 300 मीटर लंबी प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार कर जाएगी यदि रेलगाड़ी की लंबाई 200 मीटर। तो आप देख रहे हैं रेलगाड़ी यहां प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, और प्लेटफॉर्म को पार करते समय रेलगाड़ी को अपनी और उस प्लेटफॉर्म की लंबाई के योग को पार करना होगा। तो ध्यान दीजिएगा, आपसे पूछा गया है कितने समय में पार कर जाएगी, समय पूछा, तो समय का तो फॉर्मूला होता है, समय बराबर होता है हमारा दूरी बटा चाल। तो दूरी बटा चाल, दोस्तों देखिए दूरी कितना, कितना दूरी तय करना पड़ेगा उसे, दूरी कितना तय करना पड़ेगा प्लेटफॉर्म को पार करते समय, तो जितनी प्लेटफॉर्म की लंबाई और ट्रेन की लंबाई है वो दोनों के योगफल को पार करना होगा, यानी कि 300 मीटर लंबी प्लेटफॉर्म प्लस 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी, इतना लंबाई उसको चलना होगा, और किस चाल से चल रही है, 72 के चाल से, तो दूरी बटा चाल लिखेंगे, बटा में चाल लिखेंगे, तो ये 72, ये मीटर हो गया ऊपर में, ये दोनों को जोड़ दिए मीटर में, और ये देखिए 72 किलोमीटर प्रति घंटा। दोस्तों अब यह भाग नहीं दे सकते कैसे, ये मीटर में है और ये किलोमीटर प्रति घंटा, तो आप इसको एक ही यूनिट में चेंज करना है, इसको भी मीटर प्रति सेकंड में लाना है। तो कैसे, ऊपर तो पहले 300 200 हो गया 500, 300 200 हो गया 500 मीटर, और नीचे में देखिए 72 किलोमीटर प्रति घंटा, मैंने बोला 18 को चार बार पढ़ेंगे तो 72, तो 5 को चार बार पढ़िए, 5 का 20, यानी ये है 20 मीटर प्रति सेकंड। हम 72 किलोमीटर प्रति घंटा को 20 मीटर प्रति सेकंड लिख सकते हैं, मीटर से मीटर चला गया, 0 से 0 कटा, 2 से 50 कटा 25 बार में, यानी कि 25 सेकंड में पार कर जाएगी वह रेलगाड़ी उस प्लेटफॉर्म को। तो दोस्तों अब इस बेसिक क्लास का एक पार्ट और बनाना पड़ेगा, और तब जाके आप क्वेश्चन पर जाएंगे तो क्वेश्चन समझ में आएगा, और बेसिक क्लास का पार्ट 2 करना नहीं भूलिएगा, पार्ट 1 के बाद पार्ट 2 कीजिएगा। अगर हमारी वीडियो पसंद आई है तो फिर से मैं वही बात कहना चाहूँगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, अगर सब्सक्राइब आपने कर लिया है तो बहुत बहुत धन्यवाद, जो हमारे नए व्यूअर हैं सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं पार्ट 2 में, बेसिक के पार्ट 2 में।